सो दोस्तों, वीडियो में क्या होता है ना कि सीन्स को मैच करना बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले करता है वीडियो के अंदर। अगर हमारे सीन्स प्रॉपरली मैच होंगे ना तो वीडियो ऑलरेडी बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखेगी। एज अ बिगनर जब मैं भी था तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था कि कौन सा सीन पहले डालूँ और कौन सा सीन ना डालूँ और कौन से सीन का कहाँ पर क्या मतलब बनता है और कैसी वीडियो इंटरेस्टिंग बनती है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी सीरियस और थोड़ी सी हमें डिटेल में जाना होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने आज का प्रोसेस समझ लिया कि काइन मास्टर के अंदर आपने कैसे सीन्स को लगाना है, कैसे सीन्स को चेंज करना है, तो आपको बहुत कुछ डिटेल में समझ आ जाएगा और सारे के सारे सीक्रेट्स को आप यूँ समझ जाओगे। कैसे हमारे नॉर्मल से जो क्लिप्स होते हैं वो कैसे सिनेमैटिक बन जाते हैं, बहुत ही कमाल का हमारे एपिसोड नंबर 4। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो स्टार्ट। तो आज का हमारा कमाल का एपिसोड स्टार्ट हो चुका है काइन मास्टर सिनेमैटिक वीडियोडिंग सीरीज़ का। तो एपिसोड नंबर 3 में हमने क्या किया था कि यहाँ तक हम इसको ले आए थे, मतलब कि वीडियोडिंग हमने यहाँ तक कर ली थी। अब हम क्या करेंगे एपिसोड नंबर 4 में, इस एपिसोड को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगेन बोल रहा हूँ कि मत करना, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जब हम बिगनर होते हैं ना तो बिगनर को पता नहीं होता, क्योंकि मैं भी पहले बिगनर था तो मुझे भी ये सारे डाउट्स होते थे कि कौन सा सीन पहले डालें, कौन सा मैच करें, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि प्रॉपर वे में हर एक नॉर्मल क्लिप को मैच करके उसको बनाएंगे सिनेमैटिक, ठीक है। इसी को हमने चलाना है और आज का जो ट्यूटोरियल है वो थोड़ा सा लेंथी ज़रूर हो सकता है, पर आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो एक बार मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, ठीक है, और एक बार चेक करते हैं कि हमने कहां तक अपना जो है कंप्लीट कर लिया है। अब मैं क्या करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ये वाले सीन को, जो हमारा ये वाला सीन है ना, सॉरी ये वाला हमारा जो सीन है बीच में, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करना चाहता हूँ, मीन्स कि इसकी लेंथ को बढ़ाना चाहता हूँ। तो लेंथ को बढ़ाने के लिए सिंपली मैं इसको थोड़ा सा आगे की साइड कर दूंगा, कुछ इतना। सो उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे कि इसके साथ ही ये वाला सीन मैच करना है। अब यहाँ पे क्या है कि जो मॉडल के हाथ है वो बिल्कुल नीचे हैं और जैसे ये वाला सीन आ रहा है तो मॉडल के हाथ ऊपर जा रहे हैं, तो ये हम पार्ट मतलब कि क्रॉप कर देंगे, ट्रिम कर देंगे, क्योंकि ये पार्ट सही नहीं लग रहा है। तो ट्रिम करने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा आगे आऊँगा यहाँ पे और मैं प्रॉपरली मैच करूँगा अपने सीन को। तो जैसे कि यहाँ पे जो मॉडल के हाथ हैं वो नीचे हैं और यहाँ पे मॉडल के हाथ ऊपर हैं, तो हमें यहाँ पे इस चीज़ को सही करना पड़ेगा, तभी वो ना फील आएगा। ऐसा नहीं कि आपने अलग अलग सीन लगा दिए, कोशिश करो कि सारा का सारा सीक्वेंस थोड़ा बहुत मैच करता हो, मतलब कि उसकी थोड़ी ना सेंस बनती हो। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आगे आऊँगा और यहाँ से ये वाला पार्ट सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, और बाकी का हिस्सा मैं ट्रिम कर दूंगा। तो ट्रिम करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा इस क्लिप के ऊपर और जाऊंगा सीज़र वाले सेक्शन के अंदर और यहां से चूज़ करूंगा ट्रिम टू लैपटॉप प्लेहेड, ठीक है जी, और यहां से कर दूंगा डन। सो उसके बाद इसको प्ले करते हैं वीडियो को। सो यहां तक हमारे पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहां से मैंने एक शूज़ वाला पार्ट मतलब कि शूट किया था, तो उसको मैं यहां पे लेके आऊँगा। तो लेके आने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहां पे कट लगाऊंगा, क्योंकि मुझे यहां पे सीन को चेंज करना है। तो कट लगाने के लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा इस क्लिप के ऊपर और जाऊँगा सीज़र वाले सेक्शन के अंदर और यहाँ से चूज़ करूँगा स्प्लिट एज प्ले हेड, ठीक है जी, और इसको करता हूँ यहाँ से मैं डन और यहाँ पर मेरा प्लस वाला साइन आ जाएगा। तो अब मैं जाऊँगा मीडिया के अंदर और मीडिया के अंदर जाके कैमरा के अंदर जाऊंगा और सबसे पहले मैं यहाँ से लेके आता हूँ शूज़ वाला पार्ट, ठीक है जी। तो ये वाला पार्ट हम लेके आते हैं। तो इस क्लिप का मैं अच्छा सा पार्ट सेलेक्ट करता हूँ फटाफट। सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इतना पार्ट सेलेक्ट कर लिया है वीडियो का और यहाँ से मैं करता हूँ डन, ठीक है। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं स्लो मोशन में कन्वर्ट करूँगा, इस क्लिप को भी। तो स्लो मोशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा इस क्लिप के ऊपर और फिर से मैं जाऊँगा स्पीड वाले ऑप्शन के अंदर और यहाँ से मैं चूज़ करूँगा अगेन 0.5%, क्योंकि ये वाला जो क्लिप है ये 60 FPS पे शूट हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू मैं रखूँगा वो रखूँगा 0.5%। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से लेके मेरा पार्ट यहाँ तक आएगा वीडियो का और मैं यहाँ से इसको कर दूंगा ट्रिम। तो ट्रिम करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा इस क्लिप के ऊपर और फिर से जाऊंगा सीज़र वाले सेक्शन के अंदर और यहाँ से चूज़ करूंगा ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड, ठीक है जी, और यहाँ से कर दूंगा डन। और जो नीचे आपको लेयर दिख रही है सिनेमैटिक फ्रेम वाली, इसको भी आपने यार खींच देना है,
जितना आपका लंबा क्लिप है, जितनी आपकी लंबी वीडियो है, उस अकॉर्डिंग ही अपने फ्रेम को आपने एडजस्ट करते रहना है, ठीक है। तो इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ तक, और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सीन शिफ्टिंग वाली टेक्निक होती है, जो सीन्स को मेंटेन करने वाली टेक्निक होती है, उससे कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है वीडियो के अंदर। तो यहाँ से मैं वीडियो करता हूँ प्ले। अब यहाँ पे जैसे सिंगर ने गाना गाना स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे हमारी एक बीट मिस हुई है। वो बीट कैसे मिस हुई है कि यहाँ पे ये जो सीन है ना, वो बहुत ज़्यादा लेंथी दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा क्रॉप करूँगा, मीन्स कि ट्रिम करूँगा। तो ये जो हमारा सीन है परफेक्टली मैच हो चुका है। तो अब मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, और अब आप चेक करो कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है वीडियो के अंदर। सो अब अपने हेडफोन्स को लगा लो कानों के ऊपर, क्योंकि हेडफोन्स से ही हम सब कुछ करेंगे, और हेडफोन्स बहुत ही ज़रूरी हैं अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो, क्योंकि हेडफोन्स में हमें प्रॉपर पता लगता है ऑडियो की फ्रिक्वेंसी क्या है और ऑडियो कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो सारा खेल ऑडियो का है, ऑडियो अच्छा होगा तो वीडियो हमारी ऑब्वियसली अच्छी लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से वीडियो करता हूँ प्ले, और एक हिस्सा सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर हमें सीन को फिर से शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, सीन को रिपीट करूँगा। तो सीन को रिपीट करने वाली भी टेक्निक आज आपको पता लग जाएगी। अब ऐसा नहीं कि आपने जो सीन पहले लगाए हैं वो आप भूल गए हो, उनको भी प्रॉपर लेके आओ, क्योंकि आपने हर एक एंगल से दिखाना वीडियो को। सो यहाँ पे मैं कट लगाता हूँ, और कट लगाने के लिए फिर से मैं जाऊँगा इस क्लिप के ऊपर, और यहाँ से सेलेक्ट करूँगा सीजर वाला सेक्शन, और यहाँ से चूज़ करूँगा स्प्लिट एज प्ले हेड, ठीक है जी। और यहाँ से करूँगा ओके। अब मैं जाऊँगा मीडिया के अंदर, और फटाफट मैं लेके आता हूँ क्लिप को। तो ये वही वाला क्लिप है जो रिसेंटली हमने यूज़ किया था, ये जो पत्थर सा बना हुआ है इसके बीच में से जो मॉडल हमारा दिखता है, और थोड़ा सा इसका अच्छा वाला पार्ट हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक शॉट है। ये देखो कितना अच्छा मूविंग शॉट लग रहा है, तो मैं यहाँ से ये वाला पार्ट लूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने हमेशा फेस पे ही कैमरा डालना है मॉडल के, आप आसपास की चीज़ों को इन्वॉल्व करो, उनका भी आप वीडियो लो, मतलब कि प्लेन फुटेज ना लो कि एक ही बंदा दिख ही जा रहा है 2 घंटे तक। आसपास का टेक्सचर हो गया, जो भी आपको एंटिक चीज़ नज़र आती है उसको भी आप फ्रेम में ऐड करो। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको ट्रिम करूँगा। ट्रिम करने के लिए अगेन मैं जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। क्लिप को सेलेक्ट करने के बाद फिर से मैं जाऊँगा सीजर वाले सेक्शन के अंदर, और यहाँ से चूज़ करूँगा ट्रिम टू लैपटॉप प्ले हेड, ठीक है। और थोड़ा सा आगे आएंगे यहाँ पे, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं चूज़ करूँगा ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, और यहाँ से करेंगे डन। और इसको भी हम करेंगे स्लो मोशन में। तो स्लो मोशन में करने के लिए रिपीट वही सारा प्रोसेस है। क्लिप के ऊपर हम जाएंगे, और यहाँ से हम चूज़ करेंगे स्पीड वाला ऑप्शन, और 0.5% वैल्यू रखेंगे अगर आपने 60 FPS का यूज़ किया हुआ है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इससे कम नहीं करना है, नहीं तो आप वीडियो के अंदर जर्क आएगा। और अगर आपने अपनी वीडियो को 30 FPS पे शूट किया हुआ है, तो आपने वैल्यू रखनी है इतनी, बराबर चेक कर लेना। 30 FPS के लिए ये वैल्यू है, और 60 FPS के लिए हमारी ये वैल्यू है 0.5%, ठीक है जी। और यहाँ से करते हैं डन, और एक बार मैं वीडियो को चेक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगेन अपने सीन को चेंज करूँगा, क्योंकि मुझे अपने वीडियो के अंदर ना फ्लेवर डालना है। अब जैसे कि जो पिज़्ज़ा होता है उसके अंदर कितने अच्छे फ्लेवर्स होते हैं, खा के मज़ा आता है, तो वैसे ही आपने वीडियो को बनाना है बिल्कुल मसालेदार, इंटरेस्टिंग। ऐसा नहीं कि आपने जस्ट पिज़्ज़ा का बेस बनाया और ऐसे ही आपने पिज़्ज़ा दे दिया तो कोई नहीं खाएगा, ठीक है ना। तो वैसी वीडियो आपकी कोई भी नहीं देखेगा अगर आपकी वीडियो प्लेन है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ से ट्रिम कर दूंगा, जहाँ पे आपको रेड लाइन दिख रही है ना, मतलब कि मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर लिया है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर जाऊँगा, और फिर से जाऊँगा सीजर वाले सेक्शन के अंदर, और यहाँ से करूँगा मैं ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, ठीक है जी। और यहाँ पे मेरा प्लस वाला साइन आ गया, पर अब मैं यहाँ पे ये वाला सीन नहीं, मतलब कि चूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और सीन को लगाना है। क्योंकि जैसे ये मॉडल यहाँ पे आ रही है, और अगर यहाँ से मॉडल क्रॉस हो जाएगी तो मेरा सीन ना ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे मॉडल को इतनी जल्दी क्रॉस नहीं करवाना है, मुझे थोड़ा सा मॉडल को और चलाना है, ठीक है। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, और फिर से जाऊँगा मीडिया में, और मीडिया में जाके कैमरा के अंदर जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आऊँगा नीचे, और जो वीडियो को मैंने बैकग्राउंड ब्लर किया था
उस वीडियो को मैं फिर से यूज़ करूँगा जो बहुत पहले हमने यूज़ किया था एपिसोड 2 में, आई थिंक 3 में, तो उसी क्लिप को हम फिर से रिपीट करेंगे। मीन्स कि रिपीट वाली भी टेक्निक हमारी यूज़ होगी यहाँ पे। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ ये वाला सीन और इसका फटाफट मैं अच्छा वाला पार्ट सिलेक्ट करता हूँ। तो हमारा ये वाला सीन भी लग चुका है और इस सीन को भी हम करेंगे स्लो मोशन में। पर अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है कि ये वाला जो क्लिप है 30 fps पे शूट हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था एपिसोड नंबर 3 में। अगर आपने एपिसोड नंबर 3 नहीं देखा है काइंड मास्टर का तो आप देख लेना, लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर या डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यहाँ से मैं फिर से जाऊँगा इसके ऊपर, ठीक है, क्लिप के ऊपर, और स्पीड वाले ऑप्शन के अंदर जाऊँगा और यहाँ से इसकी वैल्यू का रखूँगा थोड़ा सा इतना, क्योंकि ये मेरा जो क्लिप है ना ये 30 fps पे, ज़्यादा इसकी वैल्यू को मैं इतना करूँगा तो मेरा क्लिप ख़राब हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू को मैं रखूँगा एटलीस्ट थोड़ा सा इतना, ठीक है जी। और यहाँ से करते हैं इसको डन और अब प्ले करते हैं वीडियो को। तो यार अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एक मिस्टेक हुई है कि सीन बहुत ही जल्दी आके चला गया है। ये हमारी मिस्टेक पहले भी एपिसोड्स में हुई है तो मैंने आपको वहाँ भी बताया था। तो सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा कि इस सीन की ड्यूरेशन को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ, इतना करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, ये वाला जो सीन है ना मेरा, जो शूज़ वाला सीन है, आई थिंक थोड़ा सा पीछे था वो, ये वाला, ठीक है, इस सीन को मैं फिर से रिपीट करूँगा। पर यहाँ पे एक बोनस टिप आपको देना चाहता हूँ कि इसका अगला पार्ट, मतलब कि यहाँ तक जो हमारा मॉडल चल के आया, ये आपने रिपीट नहीं करना, नहीं तो वो ऐसा लगेगा कि आपने फिर से रिपीट कर दिया वो सीन। आपने इससे अगला वाला जो मॉडल हमारा चल के जा रहा है उस क्लिप को आपने लगाना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। थोड़ा सा आपने आगे आना है और यहाँ पर आना है, ठीक है जी, और मीडिया में चलते हैं फिर से और फटाफट मैं क्लिप को इम्पोर्ट करता हूँ। अब मैं इसका अगला पार्ट ही लेके आऊँगा वीडियो के अंदर, नहीं तो वो पहला वाला पार्ट ऐसा लगेगा कि मैंने रिपीट ही क्लिप डाल दिया है। सो अब इसको ट्रिम करेंगे। ट्रिम करने के लिए अगेन वही प्रोसेस है। सबसे पहले क्लिप के ऊपर जाएंगे और यहाँ से जाएंगे सीज़र वाले सेक्शन के अंदर और यहाँ से करेंगे ट्रिम टू लैपटॉप प्लेहेड, ठीक है, और थोड़ा सा आगे आएंगे और मुझे लगता है कि थोड़ा सा वाइड सीन हमें लेना चाहिए। तो यहाँ से इतना पार्ट हम और ट्रिम करते हैं। तो ट्रिम टू लैपटॉप प्लेहेड फिर से सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा आगे आते हैं और यहाँ से चूज़ करेंगे ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड, ठीक है जी, और इसकी वैल्यू को, मीन्स की स्पीड को हम करेंगे कम। और ये वाला क्लिप 60 fps पे शूट है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, स्पीड वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 60 fps वाले क्लिप को आपने रखना है 0.5%। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बहुत ही मेहनत वाला काम मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल वे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ से करता हूँ डन और डन करने के बाद मुझे लगता है कि इसकी ना ड्यूरेशन थोड़ी लंबी हो गई है, क्योंकि हम जब स्लो मोशन करते हैं तो वीडियो क्लिप जो है लेंथी हो जाता है। तो यहाँ से मैं इसको इतना क्रॉप करता हूँ, एटलीस्ट इतना, ठीक है, और थोड़ा सा इसको करते हैं ट्रिम। और अब वीडियो को प्ले करके देखते हैं और यार थोड़ा सा हमारा जो सिनेमेटिक फ्रेम है उसको भी यार बढ़ा लेते हैं, बेचारा पीछे रह गया, ठीक है। और यहाँ से करते हैं प्ले शुरू से। सो यहाँ तक हमारा जो सीन है वो परफेक्टली सारे के सारे सीन्स आ रहे हैं, पर मैं यहाँ पे एक सीन को और रिपीट करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी वीडियो हमारी, मतलब जल्दी ना ख़त्म हो, थोड़ा अच्छे तरीके से हम बनाएं उसको। तो अब मैं यहाँ से चेक करता हूँ कि मुझे कौन सा सीन डालना चाहिए, ठीक है। ये वाला सीन भी मेरा हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम एक बार और बैकग्राउंड ब्लर वाला सीन हम डाल दें, जिसकी वजह से थोड़ी वेरिएशन आए। तो यहाँ से मैं जाऊँगा फिर से मीडिया के अंदर और फटाफट लेके आता हूँ उस क्लिप को। यहाँ से इसको करते हैं ट्रिम
ट्रिम करने के लिए वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे सीजर वाले सेक्शन के अंदर, और यहाँ से चूज़ करेंगे ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेहेड, और थोड़ा सा आगे आएंगे और यहाँ से चूज़ करेंगे हम ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको भी स्लो मोशन में कन्वर्ट करेंगे, पर ये 30 fps पे है। तो अगेन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको दिमाग में ना एक बार पड़ जाए कि हाँ भी ये सारी टेक्निक्स होती हैं, आप कुछ भी भूलो ना। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा इस क्लिप के ऊपर और स्पीड वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ से इसको कर देंगे स्पीड को इसकी एटलीस्ट इतना, ठीक है। और यहाँ से करता हूँ मैं डन और थोड़ा सा इसको करते हैं ट्रिम, ठीक है, और एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। सो दोस्तों यहाँ तक हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो चुका है, जहाँ पे मुझे आपको टेक्निक के बारे में समझाना था कि कैसे सीन्स को शिफ्ट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांजिशन को अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब नेक्स्ट एपिसोड में ट्रांजिशन को लगाऊंगा और सीन को चेंज करूँगा, और सीन को चेंज करके लेयर के साथ हम और सीन्स को लगा के चलेंगे और फिर हम वीडियो को कंप्लीट करेंगे। सो ये था हमारा आज का एपिसोड नंबर 4 काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग सीरीज का। तो कुछ इस तरीके से आपने अपने फ़ोन के अंदर ही कमाल का वीडियो क्रिएट करना है, जस्ट आपने टेक्निक को यूज़ करना है और सीन्स को कैसे शिफ्ट करना है, कैसे मेंटेन करना है, वो आपको समझ में आ चुका होगा। और आगे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ, तो इस वीडियो को और जो भी हमारी सीरीज चल रही है, जो भी वीडियोस आने वाली हैं, बिल्कुल स्किप मत करना। और यार अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नीचे जो बटन आपको दिख रहा है वो फ्री में है, कोई भी आपको चार्ज नहीं पड़ेगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए थैंक यू।